ओके तो सीक्वेंस क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, और उस कलेक्शन में जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं, जो फर्स्ट टर्म होगा उसको T1 या A1 लिखेंगे, सेकंड टर्म को T2 A2 लिखेंगे। तो कोई मुझे बताएगा कि इस वाले सीक्वेंस में T3 क्या है? T3 क्या है? T3 करेक्ट। तो इसी को आप A3 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी नोटेशन चलेगा, T3 लिखो या A3 लिखो। ओके अब मुझे बताओ A5 क्या है? सेवन। ठीक है, अब एक देखते हैं हम लोग, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि क्या होगा फाइनाइट सीक्वेंस। सर विचार काउंटेबल। विचार काउंटेबल, दैट मींस अगर आपका सीक्वेंस कुछ इस तरह है, ये आपका एक सीक्वेंस है। यस सर। यस सर। यहाँ पे आपको पता है कि इसका लास्ट टर्म क्या है, मतलब आपको पता है कि ये फाइनाइट है, ये कहीं और जाने वाला नहीं है, इसके आगे 5/32 के आगे जाने वाला नहीं है, तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। ओके जिसमें आपको पता है कि ये एंड हो रहा है, ये सीक्वेंस एंड हो रहा है, एक पोजीशन पे जाके ये एंड हो रहा है, तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आप कोई सीक्वेंस लेते हो, सपोज और ये कंटिन्यू, इसकी वैल्यू चलती जाती है इनफाइनाइट, यहाँ पे एंड नहीं है, इसका एंड नहीं है, तो इस वाले सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ओके। यस सर। ओके अब अगर आपको इन दोनों में से, दोनों सीक्वेंस में से अगर आपको बोला जाए कि इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म का मतलब है अगर आपने बोला कि इसका मुझे आप बताओ कि 7th टर्म क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया T7 आपको निकालना है। क्या निकालना है? T7। तो nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं TN से, हाँ। या फिर उसको आप AN भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है, किसी भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, हाँ सर, सिर्फ ए, ना A1 ना T1, उसको सिर्फ हम ए से डिनोट करते हैं। ओके ओके सो अब आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन पे। प्रोग्रेशन क्या होता है सर? ऊपर का लिखना आप, है वो जो आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट लिखा? नहीं, वो मैंने आपको नोट्स भेज दिया है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। अगर हाँ, इफ एनी सीक्वेंस फॉलो सर्टन
और स्पेसिफिक पैटर्न देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. ओके, इफ एनी सीक्वेंस फॉलो सर्टेन पैटर्न देन इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन. ठीक है, अभी हम लोग इसका एक टाइप ऑफ प्रोग्रेशन देखने वाले हैं, लेकिन एक आप ऑलरेडी देख चुके हो 10th स्टैंडर्ड पे, तो उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग. कौन सा प्रोग्रेशन देखा है आपने 10th स्टैंडर्ड में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर, प्रोग्रेशन व्हिच इज एब्रिवेटेड एज एपी. ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको. 5, 8, 11, 14, 17. ओके, सो दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस बट इट इज फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न. वो पैटर्न क्या है? स्पेसिफिक डिफरेंस है, 3 इज द डिफरेंस, 3 कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस 3 है. ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी सीक्वेंस में आपको T of n plus 1 minus T of n constant मिलता है, then it is AP. क्या कोई भी sequence में अगर आपको difference between the two consecutive terms, ये है ना, ये दोनों consecutive terms हैं, t of n plus 1 and t of n consecutive हैं, या फिर इसको दूसरे term में आप ऐसा लिख सकते हैं कि t of n minus t of n minus 1. 10th standard में I think ऐसा सिखाया था आप लोगों को. हाँ सर, है ना. तो टी ऑफ एन मतलब कोई भी टर्म और उसके पिछले टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए. ठीक है, और उस कॉन्स्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछ लेना. ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, और पहला टर्म इसमें कंसीडर नहीं करते. ये जो है इसमें पहला टर्म कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें पहले वाले टर्म के आगे वाले को ही कंसीडर करते हैं. मतलब आप क्या करोगे, t2 minus t1, सो दैट इज व्हाट, 8 minus 5, 3. Correct. And what will be T3 minus T2? 11 minus 8. That is also 3. What is T4 minus T3? 14 minus 11. 14 minus 11. That is also 3. So, आपको क्या दिख रहा है? कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट. सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी एंड इट्स फर्स्ट टर्म आप डिनोट करते हैं ए से. फर्स्ट टर्म इज व्हाट? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज व्हाट? सर, 5. करेक्ट.
The first term of this AP is 5 and the common difference is 3. Correct? समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो अगर आपको किसी AP का A पता है एंड D पता है तो आप AP फॉर्म कर सकते हो क्या? सपोज आपको पता है कि A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 5 और आपको बोला है कि फॉर्म एन AP यूजिंग दिस. तो AP कैसे बनता था? AP ऐसे बनता था ना, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D एंड सो ऑन. करेक्ट. तो अपना AP क्या बनेगा? पहला 2 दिया हुआ है, दूसरा हो जाएगा 2 प्लस 5, तीसरा हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 5, तीसरा हो जाएगा 2 plus 3 into 5 एंड आप सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे और उसके आगे आप डॉट 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 लगा देंगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि वो AP है. तो AP क्या बना आपका? 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन. समझा सब लोगों को? यस सर. ओके. तो अगर आपको कोई एपी पता है और आपको nth टर्म निकालना है, सपोज सेम एपी मैं ले लेता हूं, ये आपका एपी है 2, 7, 12, 17. ओके. और आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द 8th टर्म. Find what? The 8th term. That means you have to find T8 or you can write you have to find A8. So, उसके लिए formula है. Formula क्या है TN के लिए? TN is equal to what? सोचो फटाफट बताओ. क्या होता है formula TN का? A plus N minus 1 into T. A plus N minus 1 into D. करेक्ट. तो अभी आपको कौन सा टर्म निकालना है? 8th टर्म निकालना है. मतलब आपका n की वैल्यू है 8, a की वैल्यू इसमें देखोगे तो आपको मिला है 2, 8 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आपको मिला है 5. करेक्ट. यस सर. तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a8 या t8 आपको क्या मिलेगा? 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 5 दैट इज 2 प्लस 7 इंटू 5 दैट इज 37. तो आपको 8th टर्म मिल गया. आपको बार बार इसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इस फॉर्मूले से फिर भी यहां पे आप अगर देखोगे तो 8 तो आप काउंट करके निकाल भी सकते हो. अगर आपको किसी ने बोला T550 टर्म तो क्या करोगे आप? 550 उसको ऐड करते जाओगे? नहीं सर. नहीं ना. आप ये फॉर्मूला लगाओगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो कौन सा टर्म. ठीक है? यस सर. ओके. अब नेक्स्ट है इसका सम ऑफ the n terms. सम से क्या मतलब हुआ? आपको ऐड करना है. क्या ऐड करना है? आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, यही सेम ले लेता हूं मैं. तो सम का मतलब क्या हुआ? 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट डॉट. ये आपको सम निकालना हुआ. तो इसके लिए भी फॉर्मूला आप लोगों को
पता होगा लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, क्या था वो याद आ रहा है किसी को? ये वाला फॉर्मूला मोस्टली याद नहीं होता है सबको. n अपॉन 2 ब्रैकेट n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 अप फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला भी है जो कि फाइनाइट प्रोग्रेशन में यूज हो सकता है. अगर आपको लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म पता है, t1 प्लस tn, नहीं, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला उसके लिए है n अपॉन 2 a प्लस l. सर ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ाया था एक्चुअली, वो टेक्स्ट बुक में तो था ही, लेकिन आप लोगों को कभी ये यूज नहीं हुआ होगा. हाँ सर, कभी यूज नहीं किया होगा. ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म है एक्चुअली वो तो nth टर्म होगा. हाँ सर, यस सर. तो उसका l को भी कैलकुलेट करने का तो सेम ही फॉर्मूला रहने वाला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो लास्ट टर्म आप फाइंड भी कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपको पता हो कि उसका लास्ट टर्म कौन सा टर्म उसका लास्ट टर्म है. मतलब जब आपको n की वैल्यू पता होगी तभी आप l फाइंड कर पाओगे. ओके सर. सर वन क्वेश्चन. हाँ बोलिए. सो वी कैन से ना दैट tn इज इक्वल टू l इन दैट इन दिस फॉर्मूला. हाँ, Tn is equal to L आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट AP है, तो वहां पे आपको कैसे मिलेगा L? यहाँ पे देखो, L मिल सकता है क्या? नहीं सर. L कब मिलेगा? जब आपका फाइनाइट होगा तभी मिलेगा ना. हाँ सर, जब हमको Tn मिलेगा. फाइनाइट करेक्ट, फाइनाइट सीरीज में ही आपको लास्ट टर्म मिलेगा, Tn मिलेगा. इनफाइनाइट में तो पता नहीं कौन सा लास्ट टर्म है. हाँ सर. ओके, उसके अलावा लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आपको बोला है कि थ्री नंबर्स आर इन एपी और आपको वो तीन नंबर्स फाइंड करने हैं, आपको तीन नंबर्स फाइंड करने हैं, आपको ये नहीं पता है कि उसका पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो आप अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि लेट द नंबर्स बी क्या होगा, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. ये हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए अज्यूम करते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, फाइंड थ्री नंबर्स हूज सम इज 54 एंड प्रोडक्ट इज 786. ठीक है, ये मैंने एक सिर्फ ऐसे नंबर उठा लिया है कहीं से. ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये अज्यूम करने से मेरा काम कितना आसान हो जाएगा. ठीक है, a माइनस डी, a और a प्लस डी अज्यूम करने से मेरा काम कैसे आसान हो जाएगा. मेरा पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सम इज 54, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, यही हुआ तीनों नंबर्स का सम. है ना, अगर आप तीनों नंबर्स को ऐड करोगे तो वही हुआ ना सम. हाँ सर.
and that is equal to 54. Okay? तो इससे क्या हो जाएगा, ये d a d के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 3a is equal to 54, so a will be equal to 18. Yes sir. अब आपको a मिल गया है, दूसरा कंडीशन हम लोग यूज करेंगे. दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज 786, मतलब a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 786. ओके है ना. अब आपको पता है कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए आउटसाइड है 786. ठीक है, a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो 18, सब्स्टिट्यूट कर दो 18 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 18 इज इक्वल टू 786. करेक्ट, तो 18 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 786 अपॉन 18. इज इट डिविजिबल बाय 3? यस सर. यस सर. ओके, इज इट आल्सो डिविजिबल बाय 6? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, सो 6 3 इज अ 6 1 इज अ 6 6 3 इज अ 18 and this what you got. Okay, 131 upon 3. उसके बाद क्या करेंगे, इस 18 के स्क्वायर को उठा के इधर डाल देंगे और आपको d की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे डेसिमल्स में आ रहा है क्योंकि वो करेक्ट नहीं है जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैंने कुछ भी उठा लिया है 786, शायद इसकी वजह से आपका डेसिमल में आ रहा है आंसर, लेकिन आपको डी की वैल्यू मिल गई. ठीक है, मिली डी की वैल्यू. yes, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी. अब आपको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, तो वो नंबर्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए. पहला नंबर है ए माइनस डी, दूसरा नंबर है ए, और तीसरा नंबर है ए प्लस डी. ठीक है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि यहां पे मेरे मुझे पहले स्टेप में ही ए की वैल्यू मिल जा रही है, तो मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा सेकेंड स्टेप में. इसलिए हम लोग ऐसा नंबर अज्यूम करते हैं जिसमें हम लोगों को कन्वीनियंट हो, कैलकुलेशन वगैरह करने में कन्वीनियंट हो. वैसे ही अगर आपको फोर नंबर्स फाइंड करने हैं तो आपका अजम्पशन होगा लेट द नंबर्स बी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी. चार नंबर्स आपको क्या अज्यूम करने चाहिए, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी. यहां पे भी आप देख लेंगे कि जब आपको सम दिया होगा तो ये 3d इस 3d को उड़ाएगा, ये d इस d को उड़ाएगा, है ना. जब आप ऐड करेंगे इन चारों नंबर्स को तो आपको डायरेक्टली 4a मिलेगा और उससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. आया ना. yes, Yes, अब sir. यही अगर फाइव नंबर्स आपको फाइंड करना हुआ तो आपका अजम्पशन होगा a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी.
है ना, फाइव नंबर्स हैं आपके पास, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि जब आप सम करोगे इनका तो ये 2d को उड़ाएगा, d को उड़ाएगा, यहाँ पे आप 5a मिलेगा, करेक्ट। तो ये हम अज्यूम करते हैं, वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हम उसको ले कर लेते हैं कि ये चार नंबर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, ठीक है। अब आते हैं हमारे सिलेबस के, 11th का सिलेबस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, एपी पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लेकिन किसी किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में एपी का यूज होने वाला है, इसलिए वो जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। अब जीपी क्या होता है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ओके, क्या ये एपी में है, पहले तो आप मुझे ये बताओ ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं एपी है या जीपी है, T2 - T1 करेंगे, एपी के लिए तो T2 - T1 करेंगे, दैट इज 10 - 5 = 5, उसके बाद T3 - T2 करेंगे, और अगर दोनों इक्वल है तो एपी है, देखते हैं 20 - 10 दैट इज 10, इक्वल है क्या, नहीं सर, नो सर, तो T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, करेक्ट, यस। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो T2 / T1 इज व्हाट, 10/5 दैट इज 2, एंड वॉट इज T3 / T2, 20/10 तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कांस्टेंट मिलता है, ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं T2 और T1, T3 and T2 ऑल्सो कंसेक्यूटिव है, तो अगर उन दोनों का रेशियो आपको कांस्टेंट मिलता है तो वो सीक्वेंस किस में होता है, जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो सीक्वेंस किस में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लेते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी पहले टर्म को हम ए लेते हैं, लेकिन ये जो रेशियो निकाला है हम लोग उसको हम लोग आर लिखते हैं और उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। डी क्या था, कॉमन डिफरेंस और आर क्या है, कॉमन रेशियो। तो अगर रेशियो कांस्टेंट है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ओके सर। तो ऊपर वाला जो सीक्वेंस हमने लिया था उसमें आप देखोगे तो पहला टर्म था 5, दूसरा था 10, तीसरा था 20, चौथा क्या था 40, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म को अगर आप ए अज्यूम करते हो तो सेकेंड टर्म क्या है, ए इंटू आर, करेक्ट, 2 × 5 ना, हाँ सर, करेक्ट, यस सर,
और तीसरा टर्म क्या है, a इंटू आर स्क्वायर। चलो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज योर a विच इज 5, सो 5 इंटू टू, करेक्ट, 5 इंटू 4 विच इज 5 इंटू 8, इधर मैंने 50 क्यों लिखा, 50 नहीं होगा ये, 40 के बाद कितना होगा, 80 होगा ना, ओके, तो 5 इंटू 8 ये 40 क्या हुआ, 5 इंटू 8, 20 क्या है, 5 इंटू 4, 10 क्या है, 5 इंटू 2, और 80 क्या होगा, 5 इंटू It is what? 10. 16. ठीक है, अब आप लोग ये देखो, ये आपका R था, ये आपका A है। एक स्टेप और ले लेता हूं ताकि और आराम से आपको समझ में आए। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, 4 इज व्हाट, 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 2 का क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, यस सर, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब अगर हम लोग इसको a और r के टर्म में लिखें तो 5 इज A, ये 5 भी A है, लेकिन ये 2 क्या है, R है, यहाँ पे भी ये A है और ये R है, तो R का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, A R का क्यूब, A R का पावर 4, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन, समझा आपको, हाँ सर। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन रेशियो पता है तो आप कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके, यस सर, ओके। तो अब आते हैं हम लोग इसके nth टर्म को फाइंड करने के लिए। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, डी एन इज इक्वल टू, किसी ने पढ़ा है आईसीएससी वाले कोई, यस सर, ए प्लस एन माइनस वन डी, अरे वो तो एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जीपी वाली बात कर रहे हैं, डी एन फॉर जीपी, nth term for geometric progression is a into r to the power n minus 1, यही तो हमने derive किया यहाँ पे, ये क्या derive किया मैंने, first term, तो second term क्या हुआ, second का मतलब 2 minus 1, हाँ सर, थर्ड टर्म का क्या मतलब हुआ, 3 माइनस 1 इज 2, आर का स्क्वायर इज, ये जो स्क्वायर है वो क्या है, 3 माइनस 1, और ये आपका थर्ड टर्म है, करेक्ट, आपका फोर्थ टर्म ये है, ये आपका फोर्थ टर्म है, तो उसका आर का पावर कितना है, 4 माइनस 1, और अगर आपका ये फिफ्थ टर्म है तो उसका आर का पावर हो गया 5 माइनस 1 विच इज 4। तो अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो फॉर्मूला है a इंटू आर का पावर n माइनस 1,
ठीक है। अब इसी सीरीज में जो हमने बनाया था, हमने जो प्रोग्रेशन बनाया था, इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द टेंथ टर्म तो क्या करोगे आप? T10 equals to A into R to the power 10 minus 1. That is 10 minus 1 is 9, na? Haan, sir. So A into R to the power 9 will be your 10th term. Aapko A pata hai, which is 5, R pata hai, which is 2 to the power 9, जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा, दैट विल बी योर 10th टर्म। समझे? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Tn इज इक्वल टू A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ओके, करेक्ट। इट इज फॉर जीपी। एपी एंड जीपी दोनों अलग हैं। एपी में कॉमन डिफरेंस डी आता है, जीपी में कॉमन रेशियो आर आता है। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद सम वाला कहाँ है? अच्छा, सम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, ठीक है। ओके, तो अगर कोई थ्री नंबर्स, इसमें भी हम लोग थ्री नंबर्स दिया होगा, अगर जैसे एपी में अज्यूम किया था आपने, वैसे ही जब आपको जीपी में तीन नंबर्स पूछे होंगे, तो आपको क्या अज्यूम करना चाहिए जिससे आपका काम आसान हो जाए? वो होगा ए बाई आर, A and AR, ये तीन नंबर अज्यूम करोगे आप, इससे क्या हो जाएगा? जब वो बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स जब वो बोलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये आर कैंसिल हो जाएगा और आपको डायरेक्टली A की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपको A क्यूब मिलेगा। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? प्लीज पूछ लो सर, फिर से बताना एक बार। ओके, जैसे अगर आपको बोला है कि थ्री नंबर्स आपको फाइंड करना है और आपको कुछ कंडीशन दिया होगा, ओके, तीन नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट इज 81 and sum is 32. बोल रहा है कि थ्री नंबर्स ऐसे फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट 81 है और जिनका सम 32 है, ठीक है। तो आप क्या अज्यूम करोगे? द फर्स्ट नंबर बी ए अपॉन आर, सेकेंड नंबर बी ए एंड द थर्ड नंबर बी ए आर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आप प्रोडक्ट वाला कंडीशन लगाओगे तो a बाई आर इंटू ए इंटू ए आर, इससे क्या हो जाएगा? आपका r r कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? a क्यूब इज इक्वल टू 81। इससे आपको डायरेक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी और जब a की वैल्यू मिल गई तो उसको आप सेकेंड कंडीशन में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे जब सम आप निकालोगे तो वो ऐसा होगा, ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 32, करेक्ट? यस सर। अब आपको ऑलरेडी ए की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए जब तीन नंबर्स को आपको फाइंड करने को बोले
तो आप अज्यूम क्या करोगे, ए बाई आर, ए और ए आर, ये तीन नंबर्स अज्यूम करोगे आप, कब, जब तीन नंबर्स पूछा हो तो। और अगर चार नंबर्स पूछा है तो फोर नंबर्स पूछा है तो आपको अज्यूम करना चाहिए ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर गड़बड़ हुआ नहीं, ए आर और ए आर क्यू। है ना, चार नंबर्स हो गए, वन टू थ्री फोर। एपी में है फोर नंबर्स इन जीपी, सॉरी यहां पे जीपी में फोर नंबर्स आर इन जीपी, तो हम लोग फोर नंबर्स कौन से अज्यूम करेंगे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। तो आप यहाँ पे भी देखोगे जब आप प्रोडक्ट वाला रूल बनाओगे, प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो ये आर क्यूब इस आर क्यूब को खा जाएगा, ये वाला आर इसको खा जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ए टू द पावर फोर मिलेगा, उससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार ए की वैल्यू मिल गई तो आर भी मिल जाएगा। अगर आपको फाइव नंबर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तब आपका अजम्पशन होना चाहिए ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट है नहीं, हो रहा है कैंसिल कि नहीं हो रहा है, आप देखो ये वाला आर स्क्वायर इसको खा रहा है, ये वाला आर इसको खा रहा है, तो आपको मिला क्या, ए रेज़ टू 5। ठीक है, तो ये हम लोग अपने कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं नॉर्मली ऐसा कर सकता हूं कि पहला नंबर ए हो, दूसरा नंबर ए आर हो, तीसरा नंबर ए आर स्क्वायर हो, चौथा नंबर ए आर क्यूब हो, या पांचवा नंबर ए आर रेज़ टू पावर 4 हो। ऐसा अगर आप अज्यूम करते हैं तो आप ए और आर के चक्कर में अटक जाएंगे, पूरा का पूरा ए आर कोई भी चीज एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही है ना। अगर आप प्रोडक्ट निकालते भी हैं, प्रोडक्ट वाला कंडीशन डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ए टू द पावर 5, और आर कितना है, 1 2 3 3 3 6 एंड 7, आर टू द पावर 7। पहली कंडीशन से आपको ए रेस टू 5 और आर रेस टू 7 मिलेगा, और दूसरी कंडीशन में भी आपको ए और आर मिलेगा, तो उसी में आप खेलते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ये अज्यूम करते हो तो इससे आपको कम से कम एक वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी, तो इससे हम लोग एक्चुअली कर ये रहे हैं कि अपना कैलकुलेशन, अपना टाइम, अपना एफर्ट बचा रहे हैं। ओके, एक चीज और, अगर थ्री नंबर्स एक जीपी में है, तीन नंबर्स अगर जीपी में है तो उसका मतलब क्या हुआ, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। सपोज तीन नंबर कौन से हैं, ए बी सी, ये तीन नंबर अगर जीपी में है तो इससे क्या समझ में आता है आपको, इसका रेशियो मस्ट बी इक्वल टू इसका रेशियो, है ना, तभी वो जीपी में होगा। आया ना, yes. जीपी में होने का मेन कंडीशन क्या है, अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कांस्टेंट है तभी वो जीपी में होगा। तो बी अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन बी,
इससे आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, है ना, ए आपका फर्स्ट नंबर है और सी आपका थर्ड नंबर है, तो प्रोडक्ट सॉरी स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म मिडल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स, और ये शायद आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी पढ़ा था क्या, याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा, ठीक है, ओके ठीक है, एक और सीक्वेंस लेते हैं टू, फोर, एट, सिक्सटीन, 128, ठीक है, तो अब मुझे पहले तो ये बताओ कि ये फाइनाइट जीपी है या इनफाइनाइट जीपी है? सर फाइनाइट है, फाइनाइट है, क्योंकि इसका आपको लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं एल, ठीक है, एल इज इक्वल टू 128, योर फर्स्ट टर्म इज टू एंड योर रेशियो कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू व्हाट, कॉमन रेशियो क्या, टू, टू मिला ना, फोर बाई टू इज टू, एट बाई फोर इज टू, तो अगर आपको ये बोलता है कि फाइंड द सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म्स कौन सा, सेवेंथ टर्म बट फ्रॉम द लास्ट, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या हो गया सचिन, सचिन क्या हुआ? नथिंग सर, नथिंग सर, नथिंग, तो आप, आपका कुछ चैट बॉक्स में आया, ओके ठीक है, तो अगर आप, उसने बोला है कि आपको सेवेंथ टर्म निकालना है लेकिन फ्रॉम द लास्ट, कहां से, फ्रॉम द एंड, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको बोला है तो उसका होगा फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है l अपॉन r टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, क्या समझे, अगर कोई nth टर्म आपको निकालना है फ्रॉम द एंड, उसके लिए फॉर्मूला है l अपॉन r टू द पावर n माइनस वन, अब इसी का, इसी इसी क्वेश्चन का, इसी एग्जांपल का हम लोग निकालते हैं सेवेंथ टर्म, तो आप क्या निकाल रहे हो, सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू व्हाट, एल कितना है 128 और आपका आर कितना है 2, कौन सा टर्म निकालना है सेवेंथ, मतलब 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 128 अपॉन 2 टू द पावर 6, करेक्ट, ओके या नॉट, यस, अब 2 टू द पावर 6 को आप या तो निकालिए कैलकुलेट करके या फिर इसको आप 2 का पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 का कितना पावर 128 होगा, ये
फर्स्ट पावर है, सेकंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, देन फिफ्थ विल बी 32, सिक्स्थ विल बी 64 एंड सेवेंथ विल बी 128. तो सेवेंथ पावर यही हुआ, 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 6, है ना? यस सर. तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिला 2. मतलब क्या, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज 2. काउंट करके देख लो, सेवेंथ टर्म है क्या एंड से? है ना? नहीं समझ में आ रहा है? एक बड़ा सा लूं क्या? ओके, क्योंकि ये छोटा था तो बड़ा एग्जांपल फाइनाइट वाला कौन सा है बड़ा एग्जांपल? ओके, ये एग्जांपल लेते हैं. टू बाय थ्री, टू बाय, ओके टू होगा ये, टू सिक्स 18 एंड इट विल कंटिन्यू टिल 162. ठीक है, 162. अब आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड. कौन सा टर्म? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड. फ्रॉम द एंड लिखना जरूरी है. ओके, विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन एंड दैट विल बी एल इज 162 अपॉन आर. कितना है आर? कितना है बोलो, बोलो आर कितना है? कैलकुलेट करो ना आर कैसे करते हैं. टी टू अपॉन टी वन दैट इज 5 अपॉन बाई 3. तो दिस इज गिविंग यू 3. तो आर की वैल्यू क्या मिली? आर की वैल्यू मिली आपको 3. आर कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे लोग? किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के रेशियो को ही आर बोलते हैं ना. अगर इन दोनों को आप कंसीडर करो कंसेक्यूटिव नंबर्स, दैट इज टी थ्री अपॉन टी टू दैट विल बी 6 अपॉन 2 दैट इज 3. तो आर क्या हुआ आपका? 3. अगर इन दोनों को लोगे आप तो टी फोर अपॉन टी थ्री इज इक्वल टू 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3. कॉमन रेशियो तो वही होता है ना, कंसेक्यूटिव नंबर रेशियो को ही कॉमन रेशियो बोलते हैं. अरे तो इस वाले जीपी में लास्ट टर्म है 162, कॉमन रेशियो है 3. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको निकालना है थर्ड टर्म मतलब 3 का पावर 2 माइनस 1 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 So that will be 162 upon 3 ka square. That is 162 upon 9. Cancel. 9. Anza 9. 9 adza 72. So 18 is the third term from the end. 18 is the third term from the end.
but 18 is actually the fourth term from the starting. From here it is fourth term, from here it is third term. Okay, getting it? Yes sir. Okay, so now the last topic is properties of GP. Properties of GP. First property है, अगर आप किसी GP में हर एक term को किसी constant non-zero number से multiply करते हो, तो जो नया बनेगा sequence वो भी GP में होगा. क्या समझे? नहीं समझे? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 16. अगर मैं इसके सारे टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? ये 6, ये क्या देगा मुझे? 12, ये क्या देगा मुझे? 18, करेक्ट है नहीं? बोलो, मैंने सबको 3 से मल्टीप्लाई किया ना, यही मिलेगा कि नहीं? यस सर. पहली बात तो ये ऊपर वाला ही जीपी में नहीं है, क्या गड़बड़ किया मैंने? 6 नहीं आएगा उसमें. 2, 4, 8, 16 ऐसा आएगा ना. तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 एंड सो ऑन. इससे मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, तो जो नया सीक्वेंस मिला आपको, क्या वो जीपी में है? कैसे चेक करते हैं कि जीपी में है या नहीं है? चेक कैसे करते हैं कि वो जीपी है या नहीं है? हम लोग रेशियो निकालेंगे ना. अगर रेशियो कांस्टेंट मिला, इसका मतलब वो जीपी है. जैसे एपी में हम लोग डिफरेंस निकालते थे, वैसे ही जीपी में हम लोग क्या निकालते हैं? रेशियो. मतलब 12/6 2, 24/12 2. कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ सर. इसका मतलब ये वाला भी जीपी हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया. और अगर किसी जीपी को सेम कांस्टेंट नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, सपोज मैं इसको डिवाइड करता हूं बाय 2, तो क्या मिलेगा मुझे? 2/2 1, 4/2 2, 8/4 8, लाइक दिस. ये जो नया सीक्वेंस आपका बना है वो भी जीपी में ही होगा. चेक करो है या नहीं है जीपी में. ऐसे करते हैं चेक, रेशियो निकालेंगे. रेशियो R=T2/T1, दैट इज 2/1, दैट इज 2. और एक और चेक करेंगे, T3/T2, दैट इज 4/2, दैट इज 2. लिखा आपको कॉन्स्टेंट है या नहीं है? क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो, क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. इसके बाद अगर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, ठीक है. तो
इससे आपको क्या पता चला कि आपका ये वाला जो जीपी सीक्वेंस मिला वो भी जीपी में मिला, मतलब कि अगर किसी जीपी में हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा, जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में होगा। ठीक है, वैसे सेकेंड प्रॉपर्टी है कि रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्म्स अ जीपी। क्या मतलब हुआ कि किसी भी जीपी के हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी जीपी बनाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 4, 8, 16 लाइक दैट। ओके, ये जीपी है या नहीं है? है या नहीं जीपी? जीपी है या नहीं है? क्या हो गया आज आप लोगों को? यस सर, जीपी या नहीं है? हाँ ठीक है, यस सर जीपी है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो, मतलब हर एक टर्म का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस बना है वो भी जीपी ही होगा। अब आपको चाहिए तो चेक कर लो जीपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? T2/T1 विल बी व्हाट, 1/4 द होल अपॉन 1/2। क्या मिला आपको? 1/2। वैसे ही T3/T2 विल बी 1/8 द होल अपॉन 1/4। क्या मिला आपको? हाफ मिला। तो ये कांस्टेंट है, रेशियो कांस्टेंट है, मतलब ये भी जीपी में है। ठीक है, ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर हर एक टर्म को, किसी एक जीपी के हर एक टर्म को आप स्क्वायर कर देते हो या क्यूब कर देते हो, या बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि उसका पावर रेस कर देते हो, उसका पावर रेस कर देते हो, तो भी जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में ही होगा। मतलब 2, 4, 8, 16 अगर इसका आप पावर हर एक टर्म का बढ़ा देते हो, बढ़ाने के लिए एग्जांपल मैं स्क्वायर करता हूं, हर एक टर्म को स्क्वायर करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ये बना आपका 4, ये बना 16, ये बना 64, ये बनेगा 256 एंड सो ऑन। करेक्ट, तो ये जो बना है आपका सीक्वेंस ये भी जीपी ही होगा। समझे? यस सर। अगर मैं इसका पावर 4 कर देता हूं, मतलब 2 to the power 4, 4 to the power 4, 8 to the power 4, 16 to the power 4, ये जो सीक्वेंस मुझे मिल रहा है ये भी जीपी ही होगा। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर?
क्लियर? हाँ